वित्तीय बजट पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि बजट में कहीं भी छत्तीसगढ़ियों की चिंता नहीं की गई है। इस बजट को लेकर यही कहा जा सकता है कि दिया है न तेल है, केवल ना उम्मीदी का खेल है। कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी पूरा करने में नाकाम है। बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से बातचीत की हमारे स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया है और बजट के बाद इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौजूद हैं, उनसे हम रिएक्शन लेते हैं, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं। देखिए, इस बजट को यदि हम पूरे देखेंगे तो इस बजट को लेकर के कोई विजन नहीं है कि जिससे प्रदेश के विकास को गति मिले। और दूसरी बात, जन घोषणा पत्र इन्होंने जो जारी किया, ये दूसरे वर्ष है अब बजट का, और ये बजट में जो आएंगे आने वाले समय में उसका तस्दीक और तस्वीर जो दिखाई देगा। आपने उस समय जो कहा कि हम यहाँ पर जो महिलाओं के जो कर्जा को लेकर के जो उनके ऋण को माफ करेंगे स्व सहायता समूह के, इस बजट में कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण जो बात आई थी कि चाहे वो किसान हो चाहे वो वरिष्ठ जन हो, 60 वर्ष के ऊपर और 75 वर्ष के ऊपर 1000 और 1500 रुपए के जो भत्ते की जो बात आई थी, उसका भी उल्लेख इस बजट के माध्यम से कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है कि उसका समावेश इस बजट के माध्यम से जो किया गया है और आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। जो सबसे बड़ी जो आधारभूत संरचना की जो बात होती है, तो इस आधारभूत संरचना की जब बात होती है तो हमारा जो राजस्व व्यय और हमारा जो पूंजीगत व्यय, तो राजस्व व्यय में तो लगातार आपकी जो बढ़ोतरी जो दिखाई दी है, लेकिन पूंजीगत व्यय में जो आपकी जो बढ़ोतरी होना चाहिए या जो एक दिखाई देना चाहिए कि उसमें जो हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत जो व्यय है या आय है और उसमें जो पूंजीगत आय है, उसमें जो अंतर जो दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जो प्रदेश का एक सकारात्मक विकास के दृष्टिकोण से जिसको परिभाषित किया जा सके, निश्चित रूप से कम होने के कारण में उसका जो एक दिखाई देना चाहिए, कहीं न कहीं उसका अभाव दिख रहा है। और जो कमी इस बात को दर्शा रहा है कि जो दूरदर्शिता के साथ में इस प्रदेश का विकास जो प्रभाव दिखना चाहिए वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा आने वाले समय में, उसको आपने केंद्र सरकार के जो राशि है उसके ऊपर आपने उसको छोड़ दिया है, और जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसके बजाय केवल आपने योजना तक उसको सीमित कर दिया है। आपके बजट से उस योजना को कल गति कैसे मिलेगी, उस योजनाओं से लाभ कैसे मिलेगा, कहने के लिए बहुत अच्छा है नरवा घुरवा, लेकिन आपने उसके लिए कोई बजट का निर्धारण नहीं किया। तो नरवा घुरवा के लिए कोई बजट का निर्धारण नहीं किया, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। बजट पर रिएक्शन दे रहे थे, एक महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिया कि ये प्रदेश को विकास की तरफ नहीं बल्कि पिछड़ेपन की तरफ ले जाने वाला बजट साबित होगा। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। TikTok and